हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आई एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों तो दोस्तों आपका स्वागत है पार्ट टू में प्रिलिम्स बेस्ड समरी ऑफ इंडिया एयर बुक यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 2021, जिसे मेरे द्वारा अर्थात की सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों तो आप मुझे अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मैं वहां पर लाइव भी पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो कल हम लोगों ने देखा था, तो कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था पार्ट वन के, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसे हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और यदि आपको ये टॉपिक के लिए अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था गाइस, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, लैंड एंड पीपल यहाँ पर हो गया था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले थे फिजिकल फीचर्स के बारे में। दोस्तों फिजिकल फीचर्स के बारे में इसके बात करेंगे कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स कैसा है उसके बारे में। तो यहां पर कहा गया है कि द मेन लैंड, ठीक है, यहां पर कहा गया है कि द मेन लैंड कंप्राइजेस फोर रीजंस, नेमली द ग्रेट माउंटेन जोन एंड प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस एंड द डिजर्ट रीजन। दोस्तों ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जो यहां पर जो फिजिकल फीचर्स है, जो फिजिकल फीचर्स है उसे यहां पर चार भागों में यहां पर बांटा गया है। दोस्तों एक हमारा हो गया ग्रेट माउंटेन जोन हो गया, ठीक है, एक हमारा हो गया ग्रेट माउंटेन जोन हो गया, उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पर गंगा हो गया, ठीक है, जो यहाँ पर जो गंगा का मैदान है, और इसके बाद हमारा इंडस हो गया तीसरा, उसके बाद भी हमारा हो गया डिजर्ट रीजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एंड साउदर्न पेनिनसुला दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करें दी हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय अलाउ ट्रेवल ओनली थ्रू ये फ्यू पासेस, नेमली यहाँ पर जेलीपाला और नाथुला दर्रा। दोस्तों ये इसे कहते हैं दर्रा, कहते हैं दर्रा एक प्रकार से वो होता है जहाँ से हमारे रास्ते गुजरते हैं, ठीक है, ये एक पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है, ये एक पहाड़ी इलाका होता है, हिमालयन रीजन होता है, उसके बीच में से यहाँ पर कुछ रास्ते यहाँ पर गुजरते हैं, तो उन्हें दर्रा कहते हैं, और उन दर्रों का नाम है यहाँ पर जेलीपाला और यहाँ पर नाथुला दर्रा। ऑन द मेन इंडो तिब्बत ट्रेड रूट थ्रू द चुंबी वैली एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड सिपकिला इन द सतलुज वैली नॉर्थ ईस्ट ऑफ कलप्पा किन्नूर। दोस्तों ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नाथुला दर्रा, जेलीपा दर्रा और सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा भी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर कहा गया कि द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस About 2,400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 242-320 किलोमीटर ब्रॉड आर फॉर्म्ड बाय बेसिन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के रिवर सिस्टम को हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है द डिजर्ट रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो यहाँ पर जो डिजर्ट रीजन है उसे यहाँ पर दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, एक को कहते हैं हम लोग, एक को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं ग्रेट डिजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रेट डिजर्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो उसे हम लोग लिटिल यहाँ पर लिटिल डिजर्ट के नाम से उसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो एक हो गया हमारा महान मरुस्थल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, और एक हो गया हमारा छोटा मरुस्थल, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर डिजर्ट का मतलब है जो हमारा जो रेगिस्तान टाइप का जो होता है वो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द ग्रेट डिजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ द रन ऑफ कच्छ बियॉन्ड द लूनी रिवर नॉर्थ वार्ड। दोस्तों तो ये जो हमारा जो ग्रेट डिजर्ट है ये यहाँ पर दोस्तों रन ऑफ कच्छ के होते हुए ये लूनी रिवर तक इसका यहाँ पर एरिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लूनी रिवर कहाँ की है। लूनी रिवर जो हमारी वो राजस्थान की है दोस्तों, कहाँ की है, राजस्थान की लूनी रिवर है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द लिटिल डिजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द लूनी बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर अप टू द नॉर्दर्न वेस्ट। दोस्तों ठीक है, तो जो यहाँ पर जो लिटिल डिजर्ट है वो मतलब लूनी रिवर के बीच में और जैसलमेर के बीच में और जोधपुर के बीच के में ये मतलब कि इनका जो रीजन है वो ये इनका रीजन यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन्हीं को यहाँ पर ले रहा हूँ, सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके काम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है।
The Peninsula Plateau is marked off from the plains by mass of mountain and hill ranges, and prominent among these are the अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और मैकाले और अजंता की पहाड़ियां हमें इन पेनिनसुलर प्लेटू में यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो इन पहाड़ियों के नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, आगे भी हमें यहाँ पर इसे देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें थी इसके बारे में, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बिटवीन दी वेस्टर्न घाट, ये सब थोड़ा सा ये आप खुद पढ़िएगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिंपल सिंपल इंग्लिश है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दी साउदर्न पॉइंट जो है ऑफ दी प्लेटू इज फॉर्म बाय दी नीलगिरी हिल्स वेयर दी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट दोस्तों। तो जहाँ पर ईस्टर्न घाट यानी जो पश्चिमी, यहाँ पर जो पूर्वी घाट और यहाँ पर पश्चिमी घाट है जो जहाँ पर मिलती है वो नीलगिरी हिल्स के द्वारा यहाँ पर वो ये यहाँ पर मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है कि जो यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है भारत के भौगोलिक क्षेत्र को। वो कौन कौन से तीन भाग हैं? वो हमारा हिमालय, ठीक है, वो हमारा हिमालय माउंटेन जो हो गया, और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन और पेनिनसुला सील दोस्तों, ये तीन भागों, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वो चार भागों में यहाँ पर बांटा गया था वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उससे यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। हिमालय हो गया यानी कि जो हमारा हिमालय पोर्शन हो गया, उसके बाद हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया यानी कि जो यहाँ पर जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है वो हो गया, उसके बाद हमारा पेनिनसुलर सील्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हिमालयन माउंटेन बेल्ट टू द नॉर्थ एंड नागा लुशाई माउंटेन इन द ईस्ट। तो दो हिमालयन माउंटेन जो बेल्ट है वो नॉर्थ एंड नागा लुसाई माउंटेन इन द ईस्ट में ये है दोस्तों, और द रीजंस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट दोस्तों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये एनसीईआरटी में भी ये चीज दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ठीक है। अगर कोई चीज आपको यहाँ पर नहीं समझ में आती है तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारी चीज मैंने आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट ये दोस्तों रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि रिवर सिस्टम यहाँ पर कैसा है दोस्तों, ठीक है। तो द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू फोर ग्रुप दोस्तों। तो यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है उसे यहाँ पर दो भागों, यहाँ चार चार ग्रुप में यहाँ पर बांटा गया है। तो वो कौन कौन से उसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, वो कौन कौन से हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, वन सेकेंड, या ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, हो गया ये जो जो पहला हो गया हमारा दी हिमालयन रिवर्स हो गए, उसके बाद हमारा जो जो यहाँ पर डेक्कन रिवर है, इसके बाद कोस्टल स्ट्रीम हो गया, उसके बाद यहाँ पर दी स्ट्रीम ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन हो गया। तो ये चार भागों में यहाँ पर बांटा गया है हमारे रिवर सिस्टम को दोस्तों। तो अगर बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में दोस्तों, हिमालयन रिवर के बारे में बात करें तो हिमालयन रिवर्स आर फॉर्म बाई मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर एंड देयर फोर कंटिन्यूसली फ्लो थ्रू आउट दी ईयर दोस्तों। तो जब हमारा जो हिमालय जो 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 हमारा जो हिमालय है जो जब ये पिघलता है दोस्तों, ये जब इसके यहाँ इसको जो बर्फ होती है वो पिघलती है और जो ग्लेशियर होती है वो पिघलता है, और कंटिन्यूस जब ये पिघलता रहता है तो वो फिर एक नदी का निर्माण करती है दोस्तों। तो उसे हम लोग कहते हैं हिमालयन रिवर, क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर। दूसरा यहाँ पर है दी डेक्कन रिवर, ठीक है। तो डेक्कन रिवर ऑन दी अदर हैंड एंड रेनफेड एंड देयर फोर फ्लूक्टेट इन वैल्यू मैनी ऑफ दीज आर नॉन पेरेनियल दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ये अभी आपको ध्यान में रखना है डेक्कन रिवर के बारे में, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लूनी रिवर के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल स्ट्रीम के बारे में। तो स्पेशली ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सॉर्ट इन लेंथ एंड हैव लिमिटेड कैचमेंट एरियाज, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन पेरेनियल दोस्तों, ठीक है। द स्ट्रीम ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान आर फ्यू एंड फॉर ए पार्ट मोस्ट ऑफ देम आर एन इम्पीरियल कैरेक्टर दोस्तों। तो क्या है ना, अभी हम लोग एक सेपरेट लेसन में इस रिवर सिस्टम को एक एक करके यहां पर हम लोग इसे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। एक एक करके पर रिवर की हिमालय रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब चीजें क्या है इस, ठीक है। तो
ये हो गया। हाँ ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर मैप लगाया है दोस्तों, ठीक है, इंडस रिवर यहाँ पर जो जो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, ठीक है, उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारा जो सबसे ऊपर जो हमारा जो यहाँ पर है वो हमारा इंडस है दोस्तों, ये हमारा झेलम है, उसके बाद झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है, यहाँ पर हमारी लूनी रिवर है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, ये हमारा लूनी रिवर है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा गंगा है, यहाँ पर हमारा गंगा रिवर है, यहाँ पर हमारा यमुना रिवर है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो दी मेन हिमालयन रिवर सिस्टम आर दोज ऑफ द इंडस एंड गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना सिस्टम। तो जो हमें यहाँ पर जो मेन जो रिवर सिस्टम है वो हमारा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हमें पढ़ना रहता है, ये हमारा मेन होता है। द डेक्कन रीजन दी मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, जो कि ये मतलब कि जो ईस्ट साइड ये बहती है, यानी कि पूर्वी साइड ये जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, उसमें हमारा गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी, ये पूर्वी साइड में बहती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। नर्मदा और तापी जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी जो है वो यहाँ पर वेस्ट फ्लो करती है, यानी कि ये पश्चिमी भाग में, यहाँ पर ये जो पश्चिमी भाग में यहाँ पर ये यहाँ पर पश्चिमी भाग में, वन सेकेंड गाइस क्या हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो ये यहाँ पर जो जो नर्मदा और तापी है, ठीक है, नर्मदा और तापी जो है वो यहाँ पर पश्चिमी भाग में ये बहती है, एंड गोदावरी इन दी साउदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग 10% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। तो जो गोदावरी जो रिवर है ना वो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ की, ठीक है, साउथ की ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे कि लंबाई के अनुसार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लेंथ ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंडस रिवर, तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे जो जो यहाँ पर जो हमारे जो कह, हम ये कहें कि जो सबसे लंबी नदी है वो हमारा इंडस नदी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 2900 है, उसके बाद हमारा जो ब्रह्मपुत्र है वो भी 2900 है, गंगा की है 2510 है, तो ये गंगा का जो है वो 2510 है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मतलब कि तो वो हमारी इंडस है, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई है। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र किस नदी का है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो अपवाह मतलब जो बहती है कितने ज्यादा क्षेत्रों से, तो अपवाह तंत्र किस नदी का सबसे ज्यादा है, तो वो हमारा गंगा का है, ठीक है, वो हमारा गंगा का है, तो ये आप नहीं भूलने का। उसके बाद गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है और महानदी है और कावेरी है, तो ये आप सीरियस वाइज आप इसे ध्यान में रखना है, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर बेसिन के बारे में दोस्तों, तो रिवर बेसिन के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर द इंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 20 रिवर बेसिन ग्रुप ऑफ रिवर बेसिन कंप्राइजिंग 12 मेजर बेसिन एंड 8 कंपोजिट रिवर बेसिन दोस्तों। तो यहाँ पर मेजर रिवर्स जो यहाँ पर है जो रिवर बेसिन वो 12 है, जैसे कि इंडस हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, मेघना हो गया, गोदावरी, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, ठीक है, ये सब पेन्नार हो गया, और ये सब आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हो गाइस, ठीक है, ये रिवर सिस्टम था। अब आगे दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहां पर, व्हाट इज दिस, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट सेशन के दोस्तों, यानी कि जो क्लाइमेट, यानी कि जलवायु है और जो यहाँ पर जो ऋतु हो जो 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 ऋतु होती है वो कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो इंडिया की जो जलवायु है वो कैसी है, वो मानसून टाइप की है, कैसी है, वो मानसून टाइप की दोस्तों। देखिए देखिए मौसम और जलवायु में अंतर होता है, मौसम जो होता है वो मतलब कि वो एक कम अल्प अवधि में
बदलने वाली चीज होती है, मतलब कि एक हफ्ते 2 दिन में ठीक है हमारे मौसम बदलते रहते हैं, हमारे रुचि यहाँ पर मौसम जो वो चेंज होते रहते हैं, हमें गर्मी लगने लगती है, हमें हमें सर्दी होने लगती है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होता है, वो एक बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद हमारी जलवायु परिवर्तन होती है दोस्तों। तो ये दो डिफरेंस है क्लाइमेट में और यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो मौसम और जलवायु में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD डिजिग्नेटेड 4 ऑफिशियल सीजन्स, विंटर हो गया, समर हो गया, मानसून हो गया, उसके बाद पोस्ट मानसून हो गया दोस्तों, ठीक है। तो विंटर यानी कि जो हमारा जो शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, फिर हमारे यहाँ पर मानसून जो मानसूनी वर्षा होती है, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट मानसून यानी कि मानसून के बाद जो यहाँ पर जो चीजें होती है, ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर इसको 4 भागों में हम उसे डिवाइड करते हैं दोस्तों। दी हिमालयन स्टेट बींग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस 2 एडिशनल सीजन, ऑटम और स्प्रिंग। जो पतझड़ का जो मौसम होता है, ठीक है, जो पतझड़ का जो मौसम होता है, ठीक है, ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो ये दो दो भागों में से और हम लोग बांट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे हम लोग दो दो भागों में और हम लोग यहाँ पर इसे बांट सकते हैं गाइस, ठीक है। और ये तो हो गया इसके बारे में दोस्तों। ट्रेडिशनली इंडिया नोट 6 सीजन्स ईच अबाउट 2 मंथ्स लॉन्ग, दीज आर द स्प्रिंग, समर, मानसून एंड अर्ली ऑटम एंड ऑटम एंड लेट ऑटम एंड विंटर। दीज आर बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन ऑफ द 12 मंथ्स इंटू 6 पार्ट दोस्तों। तो ये सब आपको उतना नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, कितने प्रकार के यहाँ पर भाग की जलवायु कैसी है, और IMD ने कितने प्रकार के यहां पर सीजंस बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर एक यहां पर जो इंडिया क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय द 2 सीजनल बिट दोस्तों। तो यहां पर जो जो मानसून होता है, यहां पर देखिए जो जो हमारा जो मानसून होता है, जो हमारा जो मानसून नहीं, जो हमारा जो जलवायु होता है, वो 2 सीजनल विंड्स के द्वारा यूसे वो अफेक्टेड होता है। वो कौन कौन से 2 विंड हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा हमारा क्लाइमेट जो है, इंडियन क्लाइमेट जो है, वो अफेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके द्वारा यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा हमारे भारत में होती है। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो किस मानसून के द्वारा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहां पर बताना है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा यहां पर हमारे जो हमारे कंट्री में जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस। इसके बाद बात करेंगे फ्लोरा के बारे में, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फ्लोरा के बारे में। तो यहाँ पर फौना एंड फ्लोरा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरा के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फौना का मतलब क्या होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरा है दोस्तों, ठीक है, जो फ्लोरा है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्लांट होता है, जो फौना होता है वो हमारे जीव जंतु होते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा जो है वो हमारा होता है, वो हमारा होता है प्लांट होता है, जो फोना होता है वो हमारा जीव जंतु होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा में अगर हम बात करें यहाँ पर। और अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया के 10th पोजीशन से पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर आता है फ्लोरा के क्षेत्र में, एंड 4th यानी कि चौथे नंबर पर है एशिया में। प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि पौधों की विविधता को लेकर के इंडिया जो है वो विश्व लेवल पर वो 10वें नंबर पर आता है, और जो एशिया में हमें हम बात करें तो वो 4th नंबर पर आता है। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन्स, नेमली द वेस्टर्न हिमालयंस में पाए जाते हैं पौधे, द ईस्टर्न हिमालयंस के पौधे हो गए, असम हो गया, इंडस प्लान हो गया, गंगा प्लान हो गया, डिडेक्कन हो गया, मालाबार हो गया और अंडमान हो गया। तो ये कुछ ये 6 रीजन है जहां पर ये सारे फ्लोरा पाए जाते हैं, और इनकी प्रजाति भी अलग अलग होती है इनके क्षेत्र के अनुसार। ये भी आपको ध्यान में रखना कि जो हिमालयन जो पौधा होंगे उनकी क्वालिटी, उनके गुण और उनके जो जो उनके जीवित रहने की जो स्थिति है वो अलग होगी, जो असम में है उनकी अलग होगी, जो इंडस प्लेन में है उनकी अलग होगी, गंगा प्लेन में जो है उनकी वो अलग होगी दोस्तों। द फ्लोरा ऑफ द कंट्री is being studied by ऑफ द
बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI कोलकाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। जो इसका जो यहाँ पर स्टडी की जाती है फ्लोरा की, वो कौन करता है? वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के द्वारा किया जाता है दोस्तों। BSI ब्रिंग्स आउट एन इन्वेंट्री ऑफ इंडेजेंट प्लांट इन दी फॉर्म ऑफ दी पब्लिकेशन टाइटल्ड रेड डाटा बुक। तो सो गाइस, हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, जो यहाँ पर जो रेड डाटा जो बुक है, वो BSI ब्रिंग्स आउट एन इन्वेंट्री ऑफ इंडेजेंट प्लांट जो होते हैं उनको यहाँ पर वो सूचित करवाता है, ठीक है, यहाँ पर रेड डाटा बुक में दोस्तों, ठीक है, रेड डाटा बुक में, मतलब वो यहाँ पर इंडिया में उसकी यहाँ पर वो यहाँ पर इंडिया में उसकी उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि कौन से पौधे खतरे के लिस्ट में, फिर उनको रेड डाटा बुक में उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है IUCN के द्वारा दोस्तों। तो ये आपको समझना था, ये आपको समझता। फौना के बारे में बात कर ले तो फौना रिसोर्सेज की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन इंडिया रिप्रेजेंट टू ऑफ द मेजर रियंस ऑफ द, यहाँ पर जो हमारे हो गए वो हमारा कौन कौन सा हो गया, वो हमारा हो गया पैलेरिटिक एंड इंडो, वन सेकंड गाइस, तो दोस्तों हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे कि फौना के बारे में। तो फौना मैंने आपको बताया कि ये हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में होता है। तो हमारे भारत में भी जीव जंतु में काफ़ी विविधता है दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए काम करती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डिवाइडेड द कंट्री इंटू द 10 बायोग्राफिक रीजन्स के बारे में हम बात करते हैं। ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, इंडियन डिजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि आपने टाइगर मूवी में या फिर टाइगर जिंदा है, हाँ टाइगर जिंदा है कि मूवी में आपने देखा होगा, वो कुछ मतलब कि वो कुछ यहाँ पर कश्मीर टाइप का जो होता है, ठीक है, कश्मीर में वहाँ पर आप वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर कौन से जानवर होते हैं, वहाँ पर कुछ होता है, ठीक है, हमें यहाँ पर ध्यान नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो वो अलग प्रकार के प्रजाति पाए जाए, जैसे कि हाँ जैसे कि जो हिम तेंदुआ होते हैं, ठीक है, हिम तेंदुआ हो गए, वो अलग हो गई दोस्तों, ठीक है। और जो हमारे यहाँ जो तेंदुआ पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड में गंगा के प्लेन में जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जो हिमालय रीजन में जो पाए जाते हैं तेंदुए वे अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनकी कुछ लक्षण गुण कुछ अलग होते हैं। तो ऐसे प्रकार से हम इन्हें समझते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पर डाटा दिया गया कि विद इन ओनली अबाउट 2% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड सरफेस इंडिया इज नोन टू हैव ओवर 7.50% ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनिमल डेट डी वर्ल्ड होड दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे हमारे जो पूरे जो वर्ल्ड का यहाँ पर अगर हम जंतु की बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात जंतु की बात करें यहाँ पर, तो 7.50% यहाँ पर हमें यहाँ पर एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, फौना देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना था दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पर डेमोग्राफिक, यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे दोस्तों, कि जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप देखिए, सेंसस 2011 वाज द 15th सेंसस ऑफ इट्स काइंड सिंस 1872। तो दोस्तों हमारा जो जनगणना जो होता है, जो सेंसस होता है, वो 1872 में पहली बार यहाँ पर इसे लाया गया था। और तब से जो हमारी जो अभी जो यूज़ हो रही है 2011 की जो जनगणना जो सेंसस यूज़ किया जा रहा है ऑफिशियल चीज़ों में, ठीक है, वो पर वो 15 सेंसस है, 15वीं जनगणना ये हमारी है, इसे आप ध्यान में रखना। द पॉपुलेशन व्हिच एट द टर्न ऑफ द 21वीं सेंचुरी जो हमारी है वाज अराउंड 238.4 मिलियन, इंक्रीज टू रीच 1210.9 मिलियन बाय 2011। तो 2011 में दोस्तों अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर 121 के आसपास थी, लेकिन यहाँ पर अब जो अगर हम बात करें तो वो 238.4 मिलियन इंक्रीज हो गई है दोस्तों। मतलब कि आप ये 210 से यहाँ पर
121 से बढ़ करके 238.4 मिलियन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग यहाँ इस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा लंबा यहाँ पर नहीं रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसका पीडीएफ आप लेट्स क्रैक भी सकते हैं दोस्तों, पर आप इसे ज्वाइन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आप उसे वहाँ पर पीडीएफ आप इसका यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो वन सेकंड गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा और हाँ, तो मैं बात कर रहा था पीडीएफ के बारे में। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स क्रैक भी सत्यम श्रीवास्तव पे जा करके आप इसका पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहाँ पर मिल जाएगा लेट्स क्रैक भी सत्यम श्रीवास्तव पे जा करके दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का लेसन दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक के लेसन अच्छे लगे होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल टॉपिक रहेगा जो कि आपको हो सकता है कि रात में आपको मिले दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ आप ये हम सेशन की समाप्ति करते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव। आप वहां पर इसे लिखोगे, आपको वहां पर लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी you.